जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं शीतला माता की पूजा का महत्व। शीतला माता अष्टमी की पूजा होली की रंग पंचमी के बाद अष्टमी की जाती है। शीतला माता जी की पूजा बहुत ही विधि विधान के साथ की जाती है और शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतला अष्टमी के दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसोड़ा उपयोग में लाया जाता है और अष्टमी के दिन वासी वस्तुओं का निवेद्य शीतला माता को अर्पित किया जाता है। इस दिन व्रत उपवास किया जाता है और माता की कथा का श्रवण होता है। कथा समाप्त होने पर माँ की पूजा अर्चना होती है एवं शीतला अष्टक को पढ़ा जाता है और शीतला अष्टक शीतला देवी की महिमा को दर्शाता है। साथ ही शीतला माता की वंदना उपरांत उनके मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है और पूजा को विधि विधान के साथ पूर्ण करने पर सभी भक्तों के बीच माँ के प्रसाद जिसे बसोड़ा कहा जाता है उसे बांटा जाता है और इस प्रकार पूजन समाप्त होने पर भक्त माता से सुख शांति की कामना करते हैं और संपूर्ण उत्तर भारत में शीतला अष्टमी त्योहार जो बसोड़ा के नाम से भी विख्यात है वह मनाया जाता है कि इस दिन के बाद से वासी भोजन खाना बंद कर दिया जाता है और मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत को करने से देवी प्रसन्न होती है और व्रती के कुल में समस्त शीतलान जनित दोष दूर हो जाते हैं और दाह ज्वर, पीत ज्वर और चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार आदि रोग दूर हो जाते हैं। इतनी सारी बीमारियां इस दिन व्रत उपासना करने से खत्म हो जाती हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि शीतला माता की पूजन के महत्व से जुड़ी हुई है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराएं कि आपको जानकारियां कैसी लग रही है। और भी आपकी कोई परेशानियां हो तो हमसे आप उसका हल ले सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। और भी नई नई रोचकमयी रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।